ऐसा सुनते तो हैं कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मगर आज की इस हमारी जर्नी में लिटरली ऐसा है। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की ये जर्नी जितनी खूबसूरत है उतनी ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इस जर्नी के अंदर हम 4 हाई हिमालयन माउंटेन पासेस को पार करके जा रहे हैं दिल्ली से ले, वो भी इस लोकल बस में। जी हाँ, कोई वॉल्वो नहीं, कोई स्लीपर नहीं, ये पूरी जर्नी हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारी प्यारी HRTC की बस में। और ये मैं हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये जर्नी में सोलो नहीं बल्कि अपने दोस्त बाबा के साथ। हेलो दोस्तों, तो देखते हैं कि इस सफर के अंदर हमें एक्चुअली कितना सफर करना पड़ेगा। सो नाउ लेट दिस एडवेंचर बिगिन। ठीक दोपहर के 3:45 पर बस निकल जाती है कश्मीरी गेट ISBT से और हम दोनों मस्त लास्ट वाली सीट पकड़ लेते हैं जिससे एकदम खुल्ला खुल्ला बैठ कर जा पाए। जब से मेरे को पता चला था कि ऐसी सर्विस अवेलेबल है कि दिल्ली से आप ऑल द वे ले जा सकते हो बस से, मैं तब से पागल था इसके अंदर जर्नी करने का। और मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये जर्नी जरूर एक्सपीरियंस करूंगा और इसको 100 डेज में ही एक्सपीरियंस करूंगा, क्योंकि 100 डेज वाली अपनी ट्रिप का एंड लद्दाख में एक बहुत स्पेशल जगह है जहाँ मैं आज से पहले कभी नहीं गया हूँ, वो भी बस मैंने फोटोज में देखी है, और मैं वहाँ जाके अपनी ट्रिप एंड करना चाहता हूँ। तो इससे परफेक्ट राइड कुछ नहीं हो सकती। ये जो पूरी बस हिल रही है इसका भी अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। जर्नी के पहले चाय ब्रेक के बाद पता नहीं कंडक्टर भाई को क्या हो जाता है, वो फुल पावर स्पीकर पर गाने बजाने लग जाते हैं, जिसको पहले तो हम एंजॉय करते हैं पर फिर वो सैड होते ही चले जाते हैं, होते ही चले जाते हैं। गाने कैसे लग रहे हैं तेरे को जो चल रहे हैं? मुझे लग रहा है भैया का नहीं मेरा ब्रेकअप हो गया। ये बात तो सही है, पहले गाने बज रहे थे मैं एंजॉय कर रहा था, बट अभी ऐसा लग रहा है कि भैया का सच में बहुत गहरा दिल टूटा है। सुबह दिन ना कंडक्टर को दोस्त बना के अपने गाने चलवाऊंगा, देखियो। तुझे कोई गाना सुनना है? बारी बारी चल, बारी सबसे पहले चलाऊंगा, और बता। पक्का वादा? प्रॉमिस। सही में भाई, नेक पिलो इस राइड में इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, मेरे को इतने दिन हो गए हैं घूमते हुए, मेरे पास वो था नेक पिलो, मैं लेके इनिशियली गया था, कभी लाइफ में यूज़ नहीं किया, बट ये ट्रिप से आने से पहले ना मेरे मन में खौफ था कि मैंने कहा भाई इस जर्नी पे अगर नेक पिलो नहीं होगा तो सुबह तक मेरी नेक कहीं और मैं कहीं और, इसलिए। चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते हमें ये बात समझ आ जाती है कि अगर सुबह तक यहाँ बैठे तो अपना गेम ओवर है, इसलिए चुपचाप अपनी ओरिजिनल सीट पर लौट जाते हैं, जहाँ बैठते ही पता नहीं बाबा को क्या जोश चढ़ता है और वो चल देता है कंडक्टर भाई की ओर। वो चल गया तेरा गाना खुश? किससे बातें कर रहे थे? गाना बजवा दिया भाई बाबा ने। तेरा वो मैं जिन तो बोतल गिर क्या चाहिए बता। सुन रहे हो? कॉपीराइट आ जाएगा, मैं सुना नहीं सकता वैसे शायद, बट बारी बज गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी हुए सुबह के 6:30 बजे और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कुल्लू ISBT। यहां से अभी हमारी ऑलमोस्ट 5 घंटे की जर्नी और है। 5 घंटे में ले पहुंच रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, आज की खाली 5 घंटे की जर्नी और है, उसके बाद जो हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी वो होगी कल सुबह। आज करीब सुबह 11 बजे तक हम लोग केलोंग पहुँच जाएंगे, वहाँ पर हमें स्टे करना होगा, एक होटल लेना पड़ेगा, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 5 बजे दोबारा बस में बैठेंगे और तब बस वो लेके जाएगी ले। चलो ये बस का रूट तो हमें समझ में आ गया, पर जो एक चीज़ मुझे अब तक समझ नहीं आई है वो कि ये बंदा सुबह सुबह किससे बात कर रहा होता है भाई। इतनी किससे बातें करता है भाई, हमें तो नहीं पता यार। कंपनी तो लोगों की बहुत क्वेरीज होती है अबाउट ट्रैवल। सुबह सुबह 6 बजे? हाँ सुबह 6 बजे हमने लिखा 24/7 अवेलेबल। उसके अलावा भी जिंदगी में कुछ हमारे दोस्त लोग हैं और थोड़ी दोस्तनियाँ हैं। दोस्तों खैर ये रूट है जो अभी हम फॉलो करने वाले हैं, मेरे पास मैप है, चल पड़े। ओहो, तो करीब आधे घंटे के वेट के बाद हमारी बस चल रही है यहाँ से एंड अपनी ट्रिप कंटिन्यू। कुल्लू के बाद नेक्स्ट स्टॉप हमारी बस लेती है मनाली में।
जहाँ फाइनली कुछ चाय नाश्ता करके जब हम बस में लौटते हैं तो यहाँ से तो घुस पाएगा नहीं। तूने वो गाना सुना है? ये क्या हुआ जी, याद आ गया मुझे। फुल पैक। देखते ही देखते हमारी बस पहुंच जाती है अटल टनल, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही डेंजरस रोहतांग पास का अल्टरनेटिव रूट है। दोस्तों मैं लाइफ में पहली बार ही अटल टनल के अंदर आया हूँ। हमेशा सुना था ये है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल, 9.6 किलोमीटर लॉन्ग, और ये रोहतांग पास को स्किप कर देती है। और रोहतांग पास का लिटरली मतलब होता है पाइल ऑफ कॉर्पसेस, पास का नहीं, रोहतांग का मतलब होता है पाइल ऑफ कॉर्पसेस, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस है। आप बहुत जल्दी बहुत सारा डिस्टेंस ऐसा हाइट असेंड कर लेते हो, और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बर्फ पड़ती है तो वो रास्ता कट हो जाता है, जिससे बेसिकली हमारे ही देश का एक पार्ट कट जाता है और वहाँ जाने का कोई नहीं रहता। तो अटल टनल एक बहुत ही परफेक्ट ऑल्टरनेट रूट ऑफर करता है, ऑल वेदर है, कितनी भी बर्फ पड़े कुछ भी हो, ये मनाली को लाहौल वैली से कनेक्ट करता है। और अभी हम कुछ ही मिनटों के अंदर हम लाहौल वैली के अंदर एंटर कर जाएंगे। लाहौल वैली आते ही लैंडस्केप अलग देखने को मिलता है। अब तक जो लश ग्रीन पहाड़ हमारे साथ साथ चल रहे थे वो अपनी वेजिटेशन लूज करना शुरू कर चुके हैं, और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं केलांग बस स्टॉप। तो दोस्तों अभी हमें सुबह की 11:20 और 11:20 पर ही हमारी बस किलोंग पहुंच गई है, और अभी का सीन क्या है कि यहाँ पे आज रात हमें किलोंग में ही बितानी पड़ेगी, और कल ले की बस यहाँ से ही बस स्टॉप से सुबह 5 बजे चलेगी, जिसकी टिकट भी हमें अभी खरीदनी है। बट सफ़र बहुत ही कंफर्टेबल रहा, हाँ वो वाला नहीं रहा जो पीछे वाला था, वो तो हम ऐसे 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 बाउंस कर रहे थे, बट उसका जब हम अपनी एक्चुअल सीट्स पे आ गए बहुत ही कंफर्टेबल भाई, चार्जिंग तक अवेलेबल थी और सीट्स भी बढ़िया थी। प्रो टिप है, अगर आप कभी भी इस बस में जाओ तो हमेशा बीच वाली सीट लेना, तो ताकि आपको झटके कम लगे, झटके बिल्कुल कम लगेंगे। तो मस्त सफ़र रहा, सब बढ़िया रहा। अब यहाँ पर एक होटल ढूंढेंगे, टिकट बुक करेंगे, और कल जो हम नज़ारे रस्ते में देखने वाले हैं भाई बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, कितनी दूर दूर से लोग ट्रैवल करके आते हैं। इसी बस के अंदर अभी हमारे साथ एक अंकल और उनका बेटा ट्रैवल कर रहा है, वो केरला से आए हैं इधर, और वो पहली बार ले जा रहे हैं और वो इस बस से जा रहे हैं। मज़े की बात ये भी है कि वो पूरी 3 जनरेशन साथ में ट्रैवल करते हैं, मतलब दादाजी, पापा और उनका बेटा, तीनों साथ में ट्रैवल करते हैं। काफ़ी कूल, बहुत कूल है ये, बहुत कूल है। तो मैंने देखा, मेरे को बड़ा सही लगा। तो कल अंकल से मिलेंगे, अंकल से बातचीत करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली से हमारे साथ आए थे इस जर्नी पे, तो बाबा मैंने सोते सोते ज़्यादा समय बिता दिया है। बट कल नज़ारे देखेंगे, अंकल से बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे। अब चलते हैं और टिकट लेते हैं ले की। लंच के लिए है? ले लिया आपने टिकट? नहीं ले रहा हूँ, लंच के लिए आया हूँ। ओह भाई, भाई मैं सही में फेटल हो जाऊंगा, ज्यादा कुछ क्या। बट रूम कितना अच्छा है भाई, बहुत क्यूट रूम है। यहाँ से व्यू देख भाई, एक बार फेटल तो हो रहा हूँ मैं। ये रूम का व्यू तो बढ़िया है, पर ये फेटल क्या होता है? दोस्तों जब भी एकदम से प्लेन से आके इतनी हाइट पे आते हैं ना, तो फेटल होने के बहुत चांस होते हैं। फेटल सही टर्म नहीं है, बेसिकली माउंटेन सिकनेस हो सकती है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है, तो प्रिकॉशन लेंगे, ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करेंगे खुद को। पर जब रात तक AMS के और भी ज़्यादा इफेक्ट्स फील होने लगते हैं, तब हम जाते हैं दवाई लेने के लिए, जो कि हमें मिलती नहीं है। कल फेटल हो जाएंगे हम दोनों, दवाई नहीं है हमारे पास। पर उस समय मैं दवाई की इतनी टेंशन नहीं लेता, क्योंकि जिस ट्रिप के लिए मैंने इतने टाइम वेट किया है वो शुरू होता है अब। तो जी हमारे यहाँ होटल लेने की बेस्ट बात पता है क्या है? ये होटल है, यहाँ से मैं अभी निकला हूँ, और ये बस अड्डा है। पैसेंजर से पूरी की पूरी पैक बस ठीक सुबह 5 बजे केलांग बस स्टॉप से निकल पड़ती है। दारचा में भागा नदी के ऊपर बने ले मनाली हाईवे का लॉन्गेस्ट ब्रिज पार करते ही मुझे AMS के थोड़े से इफेक्ट फील होने लगते हैं। करीब 3 घंटे बाद बारालाचा पास पार करके बस पहला स्टॉप लेती है। फाइनली पहला ब्रेक आया है, पानी फिल करूंगा, कुछ खाऊंगा, तब मेरी फिटालिटी जो हो गई है कम होगी। ढाबे में चाय का पहला घूट लेता हूँ तो कुछ राहत की सांस आती है। चाय को ऐसे ही सुकून की देवी नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं पता नहीं, पर मैं कह रहा हूँ क्या कहते हैं? सुकून की देवी। भाई ये तो मैंने यहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से आए लोगों से मुलाकात होती है, सब बढ़िया चल रहा होता है, मगर
एक दिक्कत थी भाई, एक हमारा ना कंडक्टर थोड़ा वो है, ये चिल्लाता रहता है कि वो 5 मिनट का ब्रेक है जल्दी करना, अबे हम आर्मी ट्रेनिंग के लिए थोड़ी आए हैं। वो ऐसे नहीं बोलता, वो कहता 10 मिनट रुकेगी, इससे ऊपर नहीं रुकना है, कोई फोटो वीडियोग्राफी नहीं। अभी तुम्हें दिखाऊंगा, अभी तुम्हें दिखाऊंगा भाई। खौफ बैठ गया मेरे मन में, मैंने कहा ठीक है मैं पार्सल करा लेता हूं, अब नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। उसने ना पहले ना रोकी बस, ना ऐसे रोकी मतलब कि सबको बोला कि फटाफट जिसको सुसवाए कर लो, ठीक है भाई। बंदा उठता है अपनी सीट से, दो मिनट बाहर जा, टाइम लगता है ना, जितनी देर में मैं उठ के नीचे पहुंचता हूँ डांटना शुरू हो चुका। चलो बैठो, चलो बैठो भाई, मेरे को आया ही नहीं। बैठो बैठो भाई, बैठो बैठो। ब्रेकफास्ट के छोटे से ब्रेक के बाद एनर्जी हो जाती है रीस्टोर और हमारी गाड़ी आगे चल देती है सरचू की ओर। सरचू हिमाचल लद्दाख बॉर्डर पर पड़ता है और ये मेरा लद्दाख का फेवरेट लैंडस्केप को रिसेम्बल करता है, फ्लैट लैंड। अब ऐसा नहीं है कि सारा रास्ता इतना आराम से भरा था। सरचू पार करके हम आ जाते हैं गाता लूप्स। ये लूप्स 21 हेयर पिन बेंड्स हैं जिनकी एक भूतिया कहानी भी है। बात है 1999 की, जब यहीं से एक ट्रक पास हो रहा होता है मगर किन्हीं कारणों से वो यहाँ पर फंस जाता है। महीना भी अक्टूबर का था इसलिए दूर दूर तक और कोई भी नहीं था। माना जाता है कि ड्राइवर मदद लेने पैदल ही आगे किसी गांव की तरफ चल देता है और कंडक्टर ट्रक में ही रहकर सामान का ध्यान रखता है। कुछ मदद पहुंचती इतने में ही मौसम बहुत खराब हो जाता है और कुछ दिनों तक कंडक्टर से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं बन पाता। थोड़े दिनों बाद जब मौसम शांत होता है तब ट्रक वाला मदद लेकर लौटता है तो उसे कंडक्टर की डेड बॉडी मिलती है। एक्सट्रीम ठंड में भूख और प्यास से कंडक्टर की मौत हो चुकी थी। कहा जाता है कि फिर उनकी बॉडी को वहीं दफना दिया गया, मगर आज भी उस कंडक्टर का भूत इन्हीं लूप्स में पानी की तलाश में भटकता है। इसीलिए उसकी भटकती आत्मा को शांत करने के लिए यहाँ एक मंदिर बनाया गया है जहाँ लोग पानी की बॉटल्स छोड़कर जाते हैं। अब इस कहानी की ऑथेंटिसिटी तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मगर ऐसे किस्से और कहानियाँ जर्नी को काफ़ी रोमांचक बना देते हैं। लंच के लिए बस पांग में रुकती है जहाँ पर हमारे पेट के साथ साथ बस को भी रिफ्यूल किया जाता है। पूरी बस जर्नी में कंडक्टर भाई बेस्ट बंदे हैं। तो क्योंकि इस रूट पे कोई भी पेट्रोल पंप अवेलेबल नहीं है तो ना टंडी एक स्टॉप है, वहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप मिलता है, वहाँ से फ्यूल भरवा के ऊपर लोड किया जाता है और रास्ते में फिर ऐसे रिफ्यूल करते हैं। खैर और मेरा फिटैलिटी लेवल 2 हो गया है, झटके वटके 2 नहीं। खाना खत्म करके जब बस में वापस जाता हूँ तो इन्हीं रास्तों पर चलते हुए पता ही नहीं चलता कि मेरी वेटालिटी कब 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, लेवल 7 पर पहुँच जाती है और मुझे अपने को पैसेंजर से दवाई लेनी पड़ती है। थैंक यू। डिजीनेस से मेरी हालत इतनी खराब हो जाती है कि जिस पर्टिकुलर रास्ते को देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, मैं उसी रास्ते पर बीमार पड़ जाता हूँ। मेरी आंख ही नहीं खुलती है, सर दर्द से फट रहा होता है। बॉडी में जो 5-6% एनर्जी बची होती है उसी से कैमरा दूर रख के बस मैं ये अनरियल सा पैच अपनी आंखों के आगे देख रहा हूँ। जल जाएगा। ये फुटेज मेरा नहीं है क्योंकि बीमारी की वजह से मैं इसको शूट नहीं कर पाया, मगर ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा था। इसको बोलते हैं मोरे प्लेन्स। इन बहुत ही खूबसूरत प्लेन्स को पार करके हम आ जाते हैं तगलांगला। 17,480 फीट की ऊंचाई पर बने इस पास पर आके फाइनली मेरे को उल्टी हो जाती है। बैठे रहे यहां हम। अब ऐसे ही थोड़ी इसको टफेस्ट रूट बोलते हैं। बस में कुछ 3-4 लोगों की तबीयत खराब हुई थी और उनमें से एक मैं भी था। हालत खराब होती है तो तगलांगला में आंखें बंद करता हूँ और जब आंख खुलती है तो मैं लेह पहुंच चुका होता हूँ। इस बीच में क्या हुआ मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। हाँ साथ में लेते हैं, पहुंच तो गए हैं जैसे तैसे। जैसे तैसे क्यों, क्या हुआ? फेटल हो गया मेरा दोस्तों, गेम ओवर हो गया इसका, पर कोई ना, सहलेंगे थोड़ा। सह लिया थोड़ा। इस पूरे खराब सीन में एक अच्छी बात होती है कि मैं बस में कार्तिक भाई से मिलता हूँ।
तो यार मैं तो बीमार हो गया था, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, पर मेरे को बस में कार्तिक भाई मिल गए। इनके पास इंसा 360 था, मैं मस्त सो रहा था बीमारी से, बट इन्होंने शूट किया। तो जो भी इस वीडियो के अंदर आपने सारा फुटेज देखा है बस के बाहर का, वो सब इनका है। इनका लिंक और डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब आ रहा है, डेफिनेटली चेक करना। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो मेरी दिल्ली से लेके बस जर्नी का एक्सपीरियंस। बस जर्नी थोड़ी सी टफ रही मेरे लिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे और अच्छे से रास्ते देखेंगे और अच्छे से आपको रास्ते दिखाएंगे। बट वीडियो खत्म करने से पहले स्पेशल शाउट आउट एंड ह्यूज रिस्पेक्ट टू HRTC जो ऐसी सर्विस रन करता है, क्योंकि भाई अगर दिल्ली से लेह आपको आना है तो 5 से 6 हज़ार की फ्लाइट आपको पड़ेगी, बट ये बस लेके आप 1755 रुपये के अंदर लेह आ सकते हैं। एंड कंडक्टर भैया एंड ड्राइवर भैया, कंडक्टर भाई हमारे बहुत मस्त है भाई, तो आप भी ये सर्विस ले सकते हैं, सीजन के अंदर ये चलती है। इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक कॉमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी आइसक्रीम खत्म करूंगा क्योंकि मैं सही हो गया हूं। वाह वाह वाह, बाय बाय।